हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक न्यू वीडियो पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो पापा ने झींगे खरीद के लाया है यहाँ पे, एक किलो एक्सर बाओ अजर आधा किलो लाया और इसको ही साबा करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे फिर से दूध राइस रेडी हो गया, पक चुका है ब्रेकफास्ट के लिए, इसको साबा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अभी साबा करूंगा। फाइनली साबा हो चुका है, तो अभी इसको ही पानी से फिर से धुलाना होगा। उसका माटा वाला जो पैक दिया है वाला जो गोबर तो अच्छा से धुला लो। हो गया। और सर भी नोवर सर बोले ना सर और एक बार बोला लो। हो गया दोस्तों सफाई, आग भी जलाना होगा। तो यहाँ पे मम्मी मिर्चा लहसुन वगैरह पेस्ट कर रही है, तो मैं आग की जला या फायर रोड और पापा ने लाया है एक और कीरा का टुकड़ा, ये मिक्स करेंगे झींगे के साथ। पूरा पका हुआ है कीरा, पका हुआ कीरा बुआजी का घर से लाया, तो झींगे भी थोड़ा सा दे दिया बुआजी को, क्योंकि उन लोग सिर्फ दो जने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हल्दी लहसुन मिर्चा वगैरह सौपी डाल दिया है मम्मी ने, तो अब मैं ही मिक्स करूँगा। नून उठते ना वहाँ नमक और इसको ही छोटे छोटे पिचिंग करके मिक्स कर देना होगा। तो आग भी बढ़िया से जल रहा है और यहाँ पे मास्टर वेल और प्याज डाल दिए है। तो यहाँ पे कुकुम्बर का पीस पीस करके दे दिया है झींगे के ऊपर और यहाँ से ये यहाँ पे डालेंगे। ये पकने के बाद थोड़ा ब्राउन होने देते हैं, ब्राउन कलर प्याज थोड़ा पकने देते हैं। हल्दी कम हुआ है दोस्तों, हल्दी डाल दिया है। तो दोस्तों खाना भी रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है साग
और यहाँ पे जरा फिश बॉयल और ये झींगे कुकुम्बर के साथ और यहाँ पे मैगी यहाँ से ले लेता हूँ सबसे पहले। ये रहा झींगे तो दोस्तों आज गया हो भाजी का घर पे डॉक्टर नहीं है सिर्फ सिस्टर ही है। ये रहा सिस्टर फोर दिन यानी 9 मंथ हो चुका है इसका जो सर्जरी करने लेके गए। ये पूरा यहाँ इतना ठोकता तो खाते इतना हो गया वो भी थोड़ा सीधा चल सकता है बैन नहीं होना पड़ता है ज़्यादा रिकवर हो रहा है एटलीस्ट तो रिकवर हो गया फिर भी पानी निकलता है और अच्छा से रिकवर नहीं हुआ हंसता है क्योंकि मैं बात करते समय इससे बाद से थोड़ा ठोकली फूटा है ना दोस्तों इसलिए तो प्रोनाउंसिएशन भी कैसा निकलता है दोस्तों आवाज जो इसलिए सिस्टर हंसती है कुछ बोलो ऐसा तो मिल ली। ये क्या है इसमें गिरंडर तो ये रहा दोस्तों हम लोग का बागान जो एरिनाट प्लांटेशन हम लोग का घर वहां पे ही बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोग घर यहाँ पे ही बनाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे रहते हैं अंकल लोग और एक जन भी नहीं है दोस्तों कहाँ चला गए घूम रहे सीढ़ी भी गिरा के गए ये सीढ़ी तो मैं पहुँच गया हूँ दोस्तों लाइट तो है आज दिन भर रहेगा होगा सारा पूरा अंधेरा लग रहा है ये फैन लगा के पूरा ब्लैंकेट के साथ। तो मैं एक ग्लास दूध पीऊंगा अभी ग्लास को धो लेता हूँ बस हो गया दोस्तों पी के दूध वीडियो अभी समाप्त करूंगा तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ।